ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 24 अगस्त के शिवदान की। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अपना अलौकिक रीति से वार्तालाप करें, आपस में बातचीत करें, ताकि हमारा जीवन और को सुख देने वाला हो और हम भी खुद भी सुखी रहें और खुश रहें। तो अलौकिक रीति की लेन देन, लौकिक रीति की लेन देन में क्या होता है? धन संपत्ति की लेन देन होती है, दुनियावी बातें होती हैं, ये होगी लौकिक रीति की लेन देन, जो कि हम पूरे दिन भर करते रहते हैं। क्या खाया, क्या पिया, क्या लगाया, कहाँ गए, कितना कमाया, किससे बातचीत हुई, कौन सी डील हुई, क्या हुआ, ये सब कुछ है लौकिक रीति की लेन देन। क्या करें, क्या खरीदें घर के लिए, कैसे बढ़ाएं इसको, ये सब कुछ लौकिक रीति की लेन देन होती है। और ज़्यादातर हमारी आपस में परिवार वालों की यही बातें होती है, अलौकिक कोई बात होती नहीं है, इसलिए हम बोलते भी आपस में सुख शांति है नहीं, या तो तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, क्या है क्या नहीं है, बैंक बैलेंस कितना है कितना नहीं है। तो अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक्तिल भव, जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते और कोई चीज लेते हो, सही बात है, चाहे बाजार में जाए चाहे मेले में जाए, लेने से पहले देना होता है, धन दो फिर सब संभाल लो। इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ ना कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो, परमात्मा से हम कुछ गुण लेते हैं, औरों के अंदर जो भाई बहन है हमारे, चाहे ब्रह्म कुमार कुमारी हो, चाहे बाहर के जितने दुनिया के लोग हों, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ गुण है, लेकिन जब हम परमात्मा से योग लगाना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर वो गुण बढ़ते जाते हैं। तो हमारे पास में एक चॉइस है, या तो हम औरों के अवगुण देखें और वो ही अपने अंदर हम लें, कचरा किसी और का, बुराइयां किसी और के अपने मन में रखें, तो वो हमारी बन जाती हैं। कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद देखोगे आप किसी की बुराई करते करते खुद भी वैसे बन जाओगे, वैसे ही कर्म करना शुरू कर दोगे जैसे वो व्यक्ति था। इसका बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक वायरस से आपको पता भी नहीं चलता कि आप उनके जैसे बिहेव करना शुरू कर देते हो, उनके जैसे रिएक्ट करना शुरू कर देते हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने चित्त में किसी की बुराई को लंबे समय तक रखना नहीं चाहिए, नहीं तो आप खुद वैसे बन जाओगे। तो जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो औरों के अंदर गुण अगर नहीं दिखते हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति को, भगवान के गुणों को याद करो, भगवान की शक्तियों को याद करो, किसी के गुणवान चरित्र को याद करो, ताकि जो हमने इतने समय तक किसी के बारे में बुरा सोचा हुआ है, वो जो मैल है, वो जो गंदगी है, वो जो पॉइजन हमने अंदर रखा हुआ है, वो अमृत से भरता जाए। लोग जाते हैं अमृत पीते हैं, बॉटल में अमृत पी के रखते हैं और उसको भर भर के रखते हैं और उसको बोलते हैं कि वो अमृत पियो तो अच्छा रहेगा। परमात्मा कहते हैं तुम हर दिन ज्ञान का, गुणों का अमृत पियो, औरों के अंदर विशेषता देखो, तो ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म अमृत होता है। लेकिन हम करते क्या है, हम दिन भर औरों के अंदर गलतियाँ और की बुराइयाँ करते हैं और क्या है कैसे हैं, और हम विष दिन भर पीते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि मन पत्नी शांत नहीं है। औरों का विष पीना बंद करो मन के अंदर, औरों की बुराइयां देखना बंद करो, ऑटोमेटिकली मन शांत होगा और टिकना शुरू होगा परमात्मा में। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने से फ्राक दिल बनो तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। फ्राक दिल क्या होता है, इंसान मैंने बहुत धन दिया इसको, मैंने इतना दान किया, मैंने उसको उतना दान किया। परमात्मा कहते हैं फ्राक दिल इसमें तो हो, लेकिन अब फ्राक दिली परिवर्तन करो, फ्राक दिली औरों के अंदर की विशेषताओं को लेना शुरू करो और औरों को विशेषताएं देना शुरू करो। किसी के अंदर का अहंकार देख करके आप भी अगर अहंकार में आ गए तो आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली को क्या सिखाओगे, अभिमान अहंकार ही सिखाओगे। तो आपने दिया क्या, आपने गुण दिए क्या, गुण दिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि औरों के गुणों को देखो, अब गुणों को छोड़ो, अपने ऊपर ही भस्मासुर ना बनो। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी इसमें। ओम शांति।